अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि एक चाइनीज़ रेसिपी है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है और उसमें डाला है 2 खाने का चम्मच रिफाइंड का ऑयल, 1 खाने का चम्मच चॉप्ड की हुई अदरक और लहसुन। इसे 4 से 5 सेकेंड हम सौते करेंगे और इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास फाइन चॉप्ड अनियन है, जिसमें से हाफ अनियन को मैं अभी डाल दे रही हूँ, हाफ अनियन को आगे डालूँगी। इसी तरह से हम टमाटो को भी हाफ डालेंगे और हाफ को आगे डालेंगे। शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल हो या फिर जो भी आपको पसंद हो, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने जितने भी वेजिटेबल्स लिए हैं वो बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड हैं, जिससे कि इसे गलने में कोई वक्त नहीं लगेगा, ये आसानी से गल जाएंगे। अब ये है कि इस फ्राइड राइस में हम हाफ़ वेजिटेबल को कुक करेंगे और हाफ़ वेजिटेबल को हम रॉ ही रहने देंगे। अब यहाँ पे जी 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 अंडे शामिल कर दिए हैं और इसी के साथ नमक डाल लेंगे हसब ज़ायका। मैं यहाँ पे 1/4 टीस्पून ले रही हूँ और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों की पाउडर डाल दी है। यहाँ पे कैमरे में ये कैच नहीं हो पाई है, आप इसे डाल लें। अब हाई फ्लेम पे इसे हम 8 से 10 सेकेंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जी 10 से 12 सेकेंड के बाद ये हमारी एग जो है वो अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इसमें रॉ वेजिटेबल जो हमने साइड पे रखे थे उन सारी चीज़ों को शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास है प्याज, टमाटर, चुकंदर, शिमला मिर्च और अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हैं लाइक गाजर, जो भी आपको पसंद है वो सारी इसमें वेजिटेबल डाल दें। और जो है वेजिटेबल की क्वांटिटी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला, 1/4 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून टमाटो सॉस, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और इन सबको हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े कप है उबले हुए चावल। और ऊपर से हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जो चावल है यानी कि राइस वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर आप अंडे भी ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 2 बड़े कप के लिए मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, तो आप इसमें ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 15 से 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पर चावलों को अच्छे से भून लेंगे और यहाँ 15 सेकंड के बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया और ये रेडी हो गई आपकी एग फ्राइड राइस की रेसिपी। इसके साथ जो है मैंने बनाया था पनीर चिली, जो कि इसके साथ काफ़ी मज़े की लग रही थी और इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर पनीर चिली की रेसिपी भी वॉच कर सकते हैं। तो जी ये हो गई हमारी आज की रेसिपी, एग फ्राइड राइस की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।